एक बार एक जंगल में कौवा रहता था, जो अन्य पक्षियों की तरह रंगीन और सुंदर होना चाहता था। वह फिर तोते के पास गया। उसने तोते से कहा कि मैं भी तुम्हारे इतना सुंदर होना चाहता हूँ। लेकिन तोते ने कहा कि मोर सबसे सुंदर पक्षी है, तो तुम उसके पास जाओ और उससे बात करो। तब कौवा मोर के पास गया। उसने मोर से कहा कि तुम तो इतने सुंदर हो, मुझे भी सुंदर होना है। तब मोर ने उत्तर दिया कि भाई, आप सबसे भाग्यशाली पक्षी हैं, जो जीवन में कभी पिंजरे में नहीं रहे, और हम अपनी सुंदरता के कारण पिंजरे में ही रहते हैं, तो आप हमेशा आजाद रहते हैं, तो सोचो कौन भाग्यशाली है। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से धन्यवाद कहा और खुशी खुशी उड़ गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। जो आपके पास है और जो आप हैं, उसमें खुश रहें।